नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपर फास्ट खबरों की बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। ब्रिटेन में जून में आयोजित होगी G7 समिट, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भेजा न्योता। बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को भेजा समिट का न्योता। G7 समिट में दुनिया के 7 प्रमुख देश होंगे शामिल। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.5 करोड़ के पार, अब तक 20 लाख से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास भी जारी, अब तक 6.5 करोड़ से अधिक संक्रमित हुए स्वस्थ, तो वहीं 2.5 करोड़ से अधिक एक्टिव केस फिलहाल मौजूद। भारत में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक, केंद्र और राज्य सरकारों की मेहनत ला रही रंग, हालांकि भारत में अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार, तो वहीं 24 घंटे में 13,788 नए पॉजिटिव मिले। 24 घंटे में कोरोना से 145 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, 3,15,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, फिलहाल 3 लाख से अधिक संक्रमित हो चुके हैं स्वस्थ। गुजरात में मेट्रो के दूसरे चरण की सौगात, अहमदाबाद से गांधीनगर तक मेट्रो का सफर होगा आसान, पीएम मोदी ने रखी अहमदाबाद में मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला। पीएम ने कहा, इन दोनों मेट्रो परियोजना के पूरा होने पर लाखों लोगों को होगा इसका फायदा, ये मेट्रो लाइन आने वाले वक्त की जरूरत के हिसाब से तैयार की जा रही है। महंगाई और किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, वीडियो शेयर कर मोदी सरकार पर साधा निशाना, लिखा, दोस्तों का कर्ज माफ करने वाली मोदी सरकार अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी, तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दिल्ली में किसे एंट्री देनी है ये तय करना पुलिस का काम। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भी नए कृषि कानूनों का विरोध, भूख हड़ताल पर बैठे हैं छात्र और किसान, कृषि कानूनों को निरस्त करने की हिमायत। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का श्रावस्ती दौरा, समाजवादी पार्टी के चिंतन शिविर में की शिरकत, कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती के दिए मत। यूपी के श्रावस्ती में सपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हमारी योजनाओं को बीजेपी वाले संभाल नहीं पा रहे, साथ ही उनकी कृषि बिलों के बारे में बताया डेथ वारंट। यूपी के श्रावस्ती में विधायक असलम ईरानी ने बसपा पर साधा निशाना, सतीश चंद्र मिश्रा पर बसपा को बर्बाद करने का लगाया आरोप, अखिलेश यादव को बताया अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। दलित युवती की हत्या को लेकर गरमाई यूपी के बाराबंकी की राजनीति, सपा और कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा, सरकार के बड़े बड़े दावे फेल। यूपी के अंबेडकर नगर में चोर गिरोह का खुलासा, सम्मन पर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरी का माल भी किया बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में जलालपुर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दोनों बदमाश गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लगी, शिवम सोनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। यूपी के चित्रकूट में दोहरे हत्याकांड से सनसनी आरोपियों का अभी तक नहीं लगा सुराग, रजोला के पास की है घटना। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और मिनी ट्रक में हुई टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। यूपी के बाराबंकी में दलित युवती की हत्या, खेत में मिला युवती का शव, गैंगरेप की आशंका। यूपी के आगरा महापौर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एक्सप्रेसवे बंद रखने की मांग, हादसों में कमी लाने के लिए उठाई मांग, वहीं इमरजेंसी सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने की मांग। यूपी के पीलीभीत में देव व्यापार का खुलासा, मामले में 2 सिपाही निलंबित, सिपाहियों ने खुद को बताया निर्दोष। यूपी के लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम, मरीजों को नहीं मिला स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ, जिला अस्पताल में सामने आई शर्मनाक तस्वीर। दिल्ली में भी खुले स्कूल कॉलेज, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने किया स्कूलों का निरीक्षण, दिल्ली में शुरू हुई 10वीं और 12वीं की क्लासेज। लखनऊ के पास बेपटरी हुई शहीद एक्सप्रेस, अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस के 2 एसी कोच पटरी से उतरे, डिब्बों में 120 यात्री थे सवार, गति कम होने के चलते टला बड़ा हादसा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 प्रस्तावों को दी मंजूरी, अब विवाह पंजीकरण प्रक्रिया होगी आसान, जन्म पंजीकरण की बढ़ेगी अवधि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़क सुरक्षा को लेकर की प्रदेशवासियों से अपील, कहा, यातायात नियमों का पालन अवश्य करें, अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा के प्रति सदैव जागरूक रहें।
सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान का आगाज। परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा माह का किया शुभारंभ। नुक्कड़ नाटक के जरिए यातायात नियमों के प्रति किया जाएगा जागरूक। भरतपुर में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आगाज। जिला कलेक्टर ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करने की दिलाई शपथ। शतक की ओर तेजी से बढ़ रहा पेट्रोल। 14 जनवरी से के बाद फिर लगा उपभोक्ताओं को झटका। पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। दिल्ली और राजस्थान में खुले स्कूल। 10 महीने बाद स्कूलों में फिर लौटी रौनक। राजस्थान में आईएएस आरएएस अधिकारी रखेंगे व्यवस्थाओं पर नजर। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का सीकर दौरा। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों का किया निरीक्षण। कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के दिए निर्देश। बारह में भी स्कूलों में लौटी रौनक। स्टूडेंट्स में दिखा खासा उत्साह। कक्षा 9 से 12वीं की कक्षाएं हुई शुरू। श्रीगंगानगर के घरसाना में भी खुले स्कूल कोचिंग। कोरोना संकट से जूझने के बाद अब फिर लौटी रौनक। हालांकि गाइडलाइन की पालना करना बड़ी चुनौती। जयपुर के रेनवाल में स्टूडेंट्स ने किया गाइडलाइन का पालन। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा विशेष ध्यान। अनूपगढ़ में कोरोना के चलते लंबे समय बाद खुले स्कूल। स्कूलों में एक बार फिर लौटी रौनक। कड़ाके की सर्दी के बीच बच्चों में दिखा खासा उत्साह। बाड़मेर शिव थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। दौसा में पेड़ से लटके मिले युवक युवती के शव। दो शव मिलने से फैली गांव में सनसनी। रावजी गांव के हैं युवक युवती। नागौर पुलिस के हत्थे चढ़े 5 बदमाश। डकैती की योजना बना रहे थे सभी बदमाश। लेडी डॉन अनुराधा के साथी हैं सभी बदमाश। जयपुर के मोहाना पुलिस की कार्रवाई। 2 शातिर मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से 8 किलो मादक पदार्थ बरामद। पाली के रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 58 किलो डोडा पोस्ट किया जब्त। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में टाउन पुलिस की कार्रवाई। अवैध देसी पिस्टल के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पाली में रोहिणी माताजी मंदिर में चोरी का प्रयास। मंदिर के सुरक्षाकर्मी ने की फायरिंग। फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए 2 युवक। ग्रामीणों ने 2 युवकों से की मारपीट। श्रीगंगानगर में पदमपुर खालसा चौक पर कार और ट्रक में टक्कर। हादसे में 5 घायल, 1 की हालत गंभीर। जयपुर के हरमाड़ा में अनियंत्रित होकर पलटा। बजरी से भरा ट्रक आम रास्ते पर। अवैध बजरी का लगा ढेर। ट्रक चालक सुरक्षित। समदड़ी के जुनिवास जैन महावीर भवन में समदड़ी प्रखंड की बैठक। कमलेश मुनि महाराज के नेतृत्व में हुई बैठक। भगवान श्रीराम के गुणों का हुआ गुणगान। पाली के तखतगढ़ में पूर्व पालिका अध्यक्ष ने भाजपा से की बगावत। निर्दलीय प्रत्याशियों की बुलाई बैठक। निर्दलीयों का बोर्ड बनाने का किया आह्वान। भारतीय नेवी के 2 जवानों के बुलंद हौसले। कन्याकुमारी से कश्मीर तक दौड़ लगा रहे। स्वस्थ भारत का दे रहे संदेश। डूंगरपुर में बिजली विभाग के कर्मचारी लामबद। एफआरटी कर्मियों को हटाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अजमेर के नसीराबाद में आवारा जानवरों से आमजन परेशान। आवारा जानवरों से लोगों में भय। छावनी प्रशासन बना मूक दर्शक। कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर को नहीं मिलेगी पूरी जनवरी। ठंड से राहत। राजस्थान में शीतलहर से गिरा पारा। माउंट आबू में फिर गिरा पारा। न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। कोहरे के आगोश में नजर आया माउंट आबू। भीलवाड़ा के सवाईपुर में एक बार फिर घना कोहरा छाया। कोहरे के आगोश में आए कई गांव। वाहनों की रफ्तार थमी। कोहरे के आगोश में लिपटा सीमावर्ती क्षेत्र घरसाना। ठंडी हवा चलने से क्षेत्र में लगातार बढ़ रही सर्दी। सर्दी से बचाव के लिए लोग घरों में दुबके। भरतपुर के हलेना में अमरूद की बंपर पैदावार। अमरूद बागवानी मालिकों के खिले चेहरे। वैर भुसावर उपखंड में 16,000 बीघा भूमि पर अमरूद की बागवानी। देश विदेश में अमरूद की मांग। नागौर के पादुकला में गौमाता का किया गया पूजन। गौमाता को खिलाई गई लापसी। साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती के सानिध्य में हुआ आयोजन। मारवाड़ जंक्शन में गाय ने दिया 2 मुखी बछड़े को जन्म। बछड़े के दर्शन के लिए उमड़े कई गांव के लोग। 2 मुखी बछड़े को जन्म को लेकर आस्था से जोड़ रहे ग्रामीण। अजमेर एसपी जगदीश चंद शर्मा ने शहर के सभी थानों का किया निरीक्षण। थानों व क्वार्टर बिल्डिंग की मरम्मत को लेकर पुलिस अधिकारियों से की बातचीत। पुलिस स्टाफ से थानों में सुविधा बढ़ाने के लिए भी की बातचीत। डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी ने आसपुर थाने का किया निरीक्षण। थाने के रिकॉर्ड की जांच कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। साबला व्यापार संघ मंडल ने भी किया स्वागत।
बूंदी के नेनवा में 10 माह बाद स्कूल कॉलेज एक बार फिर से हुए शुरू। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक खुले स्कूल। लंबे समय बाद स्कूल आने पर स्कूली बच्चों में दिखा उत्साह। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में भी स्कूलों में लौटी रौनक। लंबे समय बाद शिक्षण हुआ शुरू, बच्चों में दिखा उत्साह। धौलपुर जिले में स्कूल और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई शुरू। स्कूलों के साथ साथ कॉलेज भी आज से खुले। कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश। भीलवाड़ा के शाहपुरा में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ। निकाली गई वाहन रैली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह, जिला परिवहन अधिकारी ओम प्रकाश बैरवा, पुलिस उपाधीक्षक भारत सिंह सहित कई अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। सीकर के खाटू श्याम जी में उपखंड अधिकारी ने की जनसुनवाई। नगरपालिका सहित 10 ग्राम पंचायतों ने लिया भाग। सरकारी स्कूल में लड़के लड़कियों को मास्क लगाकर रखने के लिए कहा गया। बयाना से जयपुर जाने वाली फास्ट पैसेंजर ट्रेन फिर हुई शुरू। करीब 9 महीने 27 दिन बाद जयपुर के लिए हुई रवाना। स्टेशन पर दिखी चहल पहल। दौसा के लालसोट में स्थित भैरव जी मंदिर में चोरी की वारदात का खुलासा अब तक नहीं। नाराज ग्रामीणों ने थाने के बाहर दिया धरना। करीब 5 घंटे के बाद प्रभारी के आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला। डग पुलिस ने लाखों रुपए के मोबाइल चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को दबोचा। चोरी के मोबाइल सहित अन्य उपकरण बरामद। देसुर में केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत एकेडमी की ओर से 80 मिनट का दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के वितरित। पाली के सोजत में पूर्व कैबिनेट मंत्री और आई पंथ के धर्मगुरु दीवान माधव सिंह का जन्मदिन। बिलाड़ा के रनिया बारा क्षेत्र में हुआ आयोजन। लोगों ने दी शुभकामनाएं। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।